सो हे गेमर्स, कैसे हो सभी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग प्ले करने जा रहे हैं सुपर मार्केट सिमुलेटर का मोबाइल वर्जन, जो कि आज ही लॉन्च हुई है प्ले स्टोर पर। बिल्कुल फ्रेश गेम है और हम लोग ने अभी इस गेम को ट्राई नहीं किया, तो लेट्स को ट्राई करते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा ऐसी डेली गेमिंग वीडियोज़ देखने के लिए। सो सबसे पहले हमें मार्केट का नेम लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग अपने नेम ही लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट का नेम लिखते हैं, आई थिंक यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके, इसको हम लोग कट करते हैं और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नाम लिखते हैं, ठीक है। तो ये आगे हमारी शॉप और हम लोग यहाँ से इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद हम लोग देखते हैं कि हमें कैसी गेम देखने को मिल जाती है। ओके गाइस, तो बहुत ही आसम ग्राफिक है, देख सकते हैं आप लोगों को पीसी टाइप के ग्राफिक मिल रहे हैं। और आसपास आप लोग देख सकते हैं सिटी कितनी ज़्यादा एक्टिव है, गाड़ियों वगैरह भी देखने को मिल जाती हैं। तो हमें सुपर मार्केट सिमुलेटर का एक ही ये वर्जन मिलता है जो सबसे ज़्यादा अच्छा है और ये बिल्कुल लेटेस्ट गेम है। तो अभी इसमें और भी चीज़ें आना बाकी हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों को चल के शॉप दिखा देता हूँ, ठीक है। दूर से चल के हम लोग शॉप देखते हैं, सिटी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा एक्टिव है, गाड़ियाँ वगैरह चल रही हैं, बंदे वगैरह घूम रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी गेम है। हमारी शॉप पेड़ों के पीछे ढकी हुई है, कुछ सही तरीके से दिखाई नहीं दे रही, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। बाद में हम लोग सभी चीज़ें अपग्रेड करेंगे, ठीक है। तो आज डे वन है, तो लेट्स गो शॉप के अंदर चलते हैं। और शॉप के अंदर जाने से पहले यहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ है जो होमलेस है, तो इसको हमारी हेल्प चाहिए। ये हमसे पैसे मांग रहे हैं लेकिन हम लोग इसको फिलहाल पैसे नहीं देने वाले, हमारे पास खुद भी जीरो डॉलर है। सबसे पहले हम लोग यहाँ से अर्न करेंगे शॉप से। कचरा बहुत ज़्यादा शॉप में देता है, कचरा हम लोग ने बिल्कुल भी नहीं रखना। कचरा सबसे पहले हम लोग ने शॉप से साफ करना होगा, ठीक है। तो लेट्स गो अभी शॉप की तरफ चलते हैं, अंदर देखते कस्टमर आए हुए हैं। तो ओके, यहाँ पर कस्टमर हमारा वेट कर रहे हैं। तो लेट्स गो, हमारे पास एक ही शेल्फ है अभी। हमारी शॉप में जो भी प्रोडक्ट्स है, जो भी चीज़ें, वो थोड़ी हैं। हम लोग बाद में शॉप को बिक करेंगे और भी चीज़ें ला के रखेंगे, ठीक है। तो ये हमसे बोतल ऑफ कोला मांग रही है, ठीक है, टू बोटल्स। तो ओके, हमारे पास अवेलेबल थी। $59 हम लोगों ने पहले $59 अर्न कर लिए, ठीक है। तो 59 और $78 हो गए, काफ़ी जल्दी अर्निंग हो रही है यहाँ पे। जितने ज़्यादा जल्दी पैसे हम लोग अर्न करेंगे, उतने ही ज़्यादा जल्दी हम लोग यहाँ पर चीज़ें ला के रख पाएंगे। सो अभी के लिए हमारी शॉप काफ़ी ज़्यादा खाली खाली लग रही है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही शेल्फ है। तो बाद में हम लोग और भी चिप्स वगैरह भी रखेंगे, और भी जो जो आइटम्स हमें मिल रहे होंगे वो हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो भाई को 1 किलोग्राम फ्लोर चाहिए, तो हम लोग ने दे दिया है $33 यहाँ पर। एम्प्लॉय भी रख सकते हैं और पेट भी हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को दिखा, यहाँ पर फूड शेल्फ मिल जाते हैं $200 के। तो उसके साथ आप लोगों को फूड शेल्फ 2 मिलता है, $500, $2000। और इसी के साथ हमें फ्रीज़र भी मिल जाता है, आइसक्रीम भी हम लोग रख सकते हैं, न्यूज़पेपर भी, बहुत वैरायटी में चीज़ें अवेलेबल हैं। हमें यहाँ पर फ्रूट भी मिल जाते हैं जो कि रख सकते हैं, चिप्स के भी शेल्फ हैं। तो लेट्स गो, हम लोग ये सारी चीज़ें ला कर रखते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा महंगी। हम लोग यहाँ पर कैशियर को भी रख सकते हैं, लेकिन $25,000 हम लोग ने अर्न करने होंगे। अभी तो सिर्फ $140 हैं। तो डॉग वगैरह भी रख सकते हैं हम लोग, आई थिंक इस डॉग की यहाँ पर क्या ज़रूरत है, लेकिन बाद में हम लोग देख लेंगे। सो अर्निंग हम लोग जल्दी से जल्दी यहाँ से पैसे कमाते हैं और यहाँ पर दूसरे शेल्फ भी ला कर रखते हैं, ठीक है। तो हमें $200 तो हमारे कंप्लीट हो चुके, $299 तो हम लोग आई थिंक सो यहाँ पर शेल्फ ला सकेंगे, ठीक है। हम लोग और भी यहाँ पर शेल्फ वगैरह ला के रखते हैं। और शॉप काफ़ी गंदी होगी, बाहर की तरफ आप लोग देख सकते हैं कि रात हो चुकी है, लेकिन सिटी हमारी देख सकती कितनी ज़्यादा प्यारी है यहाँ पर। और ओपन वर्ल्ड गेम आप लोगों को देखने को मिल जाती है, सामने की तरफ डॉलर के साइन बने हुए हैं। तो डॉलर वाली जगह पे चल के देख लेते हैं, तो बच बचा के चलना होगा। दूसरी साइड पे पुलिस भी घूम रही है, पुलिस की गाड़ी भी, तो आई थिंक सब कुछ ओके होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं स्कोर कोड ओके, तो हम लोग यहाँ पर $50 दे के फुटबॉल खेल सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं नहीं देने वाला। और इसी के साथ नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं, और पुलिस भी घूम रही है, आई थिंक सब कुछ ओके हो। शॉप की तरफ कुछ बंदे गए हैं, तो हमें जाना चाहिए शॉप की तरफ। और $20,000 है या फिर $20 है बास्केटबॉल हम लोग यहाँ से खेल सकते हैं, इसका मुझे अभी कुछ आइडिया नहीं है, बाद में हम लोग अर्न करेंगे। अभी के लिए हम लोग ने शेल्फ एक और यहाँ पर लगानी होगी, ताकि हमारी शॉप पे कस्टमर ज़्यादा हैं, ठीक है। तो लेट्स गो, यहाँ पर देख सकते हैं कितने कस्टमर खड़े हुए हैं, 1, 2, 3 ओके। तो यहाँ पर जल्दी से जल्दी इनको हम लोग इनके प्रोडक्ट्स देते हैं, जो जो आइटम्स ये मांग रहे हैं हमारे पास अगर अवेलेबल हुए। टूना हमारे पास पड़ा हुआ है, तो हम लोग इनको दे देते हैं ओके। तो आइसक्रीम हमारे पास अवेलेबल है, आइसक्रीम तो हम लोगों ने अभी रखी नहीं है, लेकिन आई थिंक हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर कचरा बहुत ज़्यादा हो जाता है और बाहर की तरफ बारिश भी लगी हुई है। तो अभी डे वन है, और डे वन के बाद देख सकते हैं बारिश और वेदर कितना ज़्यादा अच्छा, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आउट क्लास है यहाँ पर। तो स्टेमिना देख सकते हैं इस बंदे को, यहाँ पर नींद भी आ रही है, तो टाइम टू टाइम हम लोगों ने सोना भी उगाया, ठीक है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय, यहाँ पर देख सकते हैं एक और कस्टमर आ चुका है। तो मुझे पता नहीं है यहाँ से शॉप को क्लोज करके कैसे जाना होगा, लेकिन यह है कि गेम काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो ओके, यहाँ पर $32 और ऐड हो चुके हैं, और अभी हम लोग चल कर सो जाते हैं। वेलकम बैक गाइस, तो नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है। हम लोग ने आज जल्दी जल्दी काम करना होगा और भी चीज़ें ला कर रखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसकी हेल्प कर देते हैं, तो भाई की हेल्प करते हैं हम लोग, यहाँ पर $10 इनको दे देते हैं, ठीक है। तो $10 से इसकी हेल्प हो जाएगी,
होमलेस है बेचारा, तो इसकी भी हेल्प करनी चाहिए। हमारे पास $448 पड़े हुए हैं, अभी हम लोग वेट करें कस्टमर के आने का। हमारे पास चीज़ें पड़ी हुई हैं लेकिन काफ़ी कम है, हमारी शॉप खाली खाली रह रही है। तो हम लोग जहाँ पर शेल्फ वगैरह भी ला सकते हैं, मार्केट में चलते हैं और जहाँ से $200 की हमें फूड शेल्फ मिलती है, ठीक है, $200 की फूड शेल्फ मिलती है, तो हम लोग ने बाय कर लिया। ओके, फाइनली किसी चीज़ की साउंड आ रही है, आई थिंक यहाँ पर शेल्फ आ चुकी है। ओके, तो यहाँ पर शेल्फ आ चुकी है, इसमें प्रोडक्ट आप लोग देख सकते हैं आइटम कितने ज़्यादा हैं, तो बहुत ही वैरायटी के आइटम्स हमारे पास है। अभी देखिएगा कस्टमर भी हमारे पास ज़्यादा आएंगे, तो अभी हम लोग उन्हें $500 करने होंगे ताकि हम लोग नेक्स्ट यहाँ से आइटम भी बाय कर सकें, क्योंकि 200 वाले हम लोगों ने बाय कर लिया, अभी हम लोगों को $500 चाहिए होंगे। तो यहाँ पर कस्टमर आना स्टार्ट हो चुके हैं, जल्दी जल्दी हम लोग यहाँ से पैसे अर्न करते हैं। ओके, तो जल्दी जल्दी मैंने कस्टमर्स को डील करना होगा और यहाँ पर मैंने $500 अर्न करने होंगे और मैंने फिर नया शेल्फ भी यहाँ पर लगाना होगा और भी चीज़ें मैंने ला कर रखनी होगी। तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आप लोगों को आज का ये गेम प्ले अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, मैं पार्ट टू भी जल्दी अपलोड कर दूंगा। ओके, तो हम लोगों ने $500 तो अर्न कर लिए, अभी हम लोग शेल्फ को यहाँ पर बाय करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थीफ अलर्ट आ रहा है, आई थिंक सो यहाँ पर कोई चोर घूम रहा है, तो इनमें से तो कोई भी नहीं है लेकिन यहाँ पर लिखा आ रहा है थीफ अलर्ट, तो आई थिंक बाहर की तरफ होगा। ओके, तो ये रहा, इसको हम लोगों ने पकड़ना होगा, तो भाई इस चीज़ का भी हम लोगों ने ध्यान रखना होगा, इसी वजह से हमें बॉडी गार्ड मिलते हैं, तो बॉडी गार्ड का यहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, वरना ये हमारे पैसे और चीज़ें सारी लेके भाग जाएगा। तो लेट्स गो, अभी हम लोग यहाँ पर आइटम वगैरह बाय करते हैं, देखते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट शेल्फ कितने का मिलता है। फूड शेल्फ टू भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है 500 की, ठीक है, तो हम लोगों ने इसको भी यहाँ पर लगा लिया, ठीक है। तो ओके, ये कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है, आप लोग देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सामने की तरफ आप लोग देख सकते हैं साइकिल वाले भी घूम रहे हैं यहाँ पर, एम्बुलेंस भी घूम रही है और भी काफ़ी ज़्यादा सिटी में गाड़ियाँ घूम रही हैं। ओवरऑल यहाँ पर कस्टमर आना स्टार्ट हो गए और डे 4 है आज, 4 दिनों के मुझे इस गेम को प्ले करते हुए और मैंने $969 यहाँ पर अर्न कर लिए, $1000 मैंने करने। ओके, फाइनली मेरे पास $1000 हो चुके हैं और अभी मैं यहाँ पर जल्दी से चीज़ें ला के रखता हूँ न्यू, ठीक है। इतनी ज़्यादा हमारी शॉप में चीज़ों की इतनी ज़्यादा फास्ट हमारी अर्निंग होगी, ठीक है। तो इनको जल्दी से हम लोग ने क्लियर करना है, अभी हम लोग मार्केट में चलते, देख लेते कोई और भी कस्टमर हमारा ना आता हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते, देख लेते अभी हम लोग उन्हें यहाँ पर कैशियर तो हमें नहीं मिल रहा, $25,000 में मिल रहा है, बॉडी गार्ड भी $10,000 में, तो इसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पैसे अर्न करने होंगे। अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पेट में आपको दिखा दूँ, ये $1,00,000 का मिलता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगा। अभी के लिए हम लोगों ने $500 की कोई चीज़ बाय करनी है। फ्रीज़र ही हमें मिलता है, फ्रीज़र और आइसक्रीम $1000 की आइसक्रीम हम लोग नहीं लाने वाले, और चिप्स शेल्फ देखने को मिल जाती है, तो आई थिंक मुझे यहाँ पर फ्रीज़र को बाय करना चाहिए, ठीक है। फ्रीज़र में जूस बोतलें वगैरह लगी होंगी ना, ड्रिंक्स वगैरह होंगी, तो वो कस्टमर काफ़ी ज़्यादा आएंगे और काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारे यहाँ पर सेल हो जाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक यहीं कहीं पर होना चाहिए, फ्रीज़र कहाँ पर लगा हुआ है, तो इस साइड पर होना चाहिए था, तो फ्रीज़र आई थिंक दूसरी साइड पर लगा हुआ है, तो ओके उस साइड पर है फ्रीज़र, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रीज़र भी आ चुका है और कस्टमर देख सकते हैं जैसे जैसे आइटम हम लोगों ने ज़्यादा रखे इतने ही ज़्यादा हमारे पास कस्टमर भी आना स्टार्ट हो गया। और इसी के साथ आप लोग अर्निंग भी देख सकते हैं, यहाँ पर $800 हम लोग ने अर्न कर लिए हैं। जितनी ज़्यादा चीज़ें, जितने ज़्यादा आइटम्स होंगे, अभी के लिए हम लोग चिप्स वगैरह भी यहाँ पर रखते हैं और न्यूज़पेपर भी मुझे चाहिए होगा, ठीक है, न्यूज़पेपर भी हम लोगों ने ला के रखनी होगी, ठीक है। चिप्स शेल्फ हम लोगों ने यहाँ पर लगा दिया, तो चिप्स आ गई होगी कहाँ पर है। ओके, तो हम लोग लेट्स सी चेक करते हैं और देख सकते हैं कितनी ज़्यादा वैरायटी की हमारे पास चिप्स आ चुकी हैं इस शॉप में। तो अभी हमारी अच्छी तरीके से चीज़ें यहाँ पर एडजस्ट हो चुकी हैं और भी हम लोगों की एक साइड से शॉप तो फिल हो चुकी है, तो दूसरी साइड पे हमारे शॉप को फिल करना होगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी कस्टमर आते जाएँ, तो हम लोगों ने यहाँ पर न्यूज़पेपर रखने, कचरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, हर 2 मिनट के बाद यहाँ पर शॉप पे कचरा हो जाता है, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर क्लीनर को रखना ही होगा। अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जितने ज़्यादा आइटम्स हम लोगों ने रखे उतने ज़्यादा यहाँ पर कस्टमर भी आना स्टार्ट हो गए और उतनी ज़्यादा जल्दी यहाँ पर हमारे पास पैसे बनते जा रहे हैं। 500 से भी ज़्यादा हम लोगों ने कुछ ही मिनट में अर्न करनी है, देखिए $546 हम लोगों ने अर्न कर लिया। अभी के लिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है कि 500 वाली आइटम्स देख लेनी है, आई थिंक मुझे यहाँ से न्यूज़पेपर ही बाय कर लेनी चाहिए, बाकी सभी हम लोग को $1000 और $2000 से ऊपर ही मिलती हैं, तो ये हम लोग बाद में बाय करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को एक न्यूज़पेपर चाहिए होगी, ठीक है। तो न्यूज़पेपर का हम लोग यहाँ पर बाय कर लेते हैं। ओके, तो अभी हमारे पास सिर्फ $46 रहते हैं। न्यूज़पेपर का स्टॉल कहाँ पर लगा है मुझे सबसे पहले वो चेकआउट करना होगा। ओके, तो न्यूज़पेपर का स्टॉल हमारा बाहर की तरफ लगा हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ओके जी, यहीं पर सही लग रहा है, तो हम लोग इसको यहीं पर रहने देते हैं। ओके, यहाँ पर कस्टमर आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा जल्दी के साथ यहाँ पर कस्टमर हमारे बढ़ते जा रहे हैं, उतनी ज़्यादा हम लोग यहाँ पर अर्निंग भी कर पा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए आज की वीडियो को लाइक करिएगा, नेक्स्ट पार्ट भी आप लोग को जल्दी देखने को मिल जाएगा। सो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे किसी एक और नई वीडियो के साथ।